दोस्तों स्वागत है आप सबका छोटोरा पॉइंट की एक और नई वीडियो में। भाई आज हम कवर करने आए हैं एक बहुत ही जबरदस्त फूड ट्रक जिसका नाम है पापा मैक। भाई आप हमारी बैक साइड में ना दोस्तों देख सकते हो यार क्या शानदार फूड ट्रक है पंकज। जैसे यार बाहर की कंट्री में फूड ट्रक वगैरह होते हैं ना बिल्कुल वैसे सेम एग्जैक्ट लग रहा है। बिल्कुल दोस्तों आपको यहाँ की जो है ना लोकेशन के बारे में मैं आपको जरा थोड़ा सा बता देता हूँ। भाई इस वक्त हम खड़े हैं DPS चौक में, इनका जो फूड ट्रक है बिल्कुल DPS चौक में खड़ा है और हमारे जस्ट बैक साइड में है वर्ल्ड स्ट्रीट। दोस्तों यहाँ की लोकेशन का गूगल मैप जो है ना आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसकी हेल्प से जो है ना यहाँ पे भाई बड़े आराम से पहुँच जाओगे। भाई यहाँ के जो ऑनर हैं वो एक प्रोफेशनल शेफ हैं, इंडिया के, इंडिया से बाहर भी कई बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में बिल्कुल काम भाई कर चुके हैं। ऑर्डर करते हैं, मेकिंग दिखाएंगे, टेस्ट करके आपको बताएंगे कि हमें यहाँ का फूड जो है ना कैसा लगता है। तो चलते हैं भाई, सबसे पहले ऑनर से बात करते हैं। चल तो दोस्तों इस वक्त जो है भाई फूड ट्रक के ऑनर मेरे साथ हैं, इनका नाम जानते हैं और भाई इन्हीं से पूछेंगे कि इनका काफ़ी तगड़ा एक्सपीरियंस है तो इन्हीं से पूछते हैं। सर क्या नाम क्या सर अपना सर, नाम लकी है नाम मेरा और मेरा 14 इयर्स का एक्सपीरियंस है। मैंने बाहर काम किया हुआ है ऑल ओवर यूरोप ना गल्फ कंट्री में। अच्छा जी, तो मैंने स्टार्ट वहीं से किया था। तो जी। मैंने शंग्रीला मस्कट में काम किया हुआ है, ग्रैंड हयात में काम किया है और सिटीजन होटल में काम किया हुआ है। तो फिर मैं यहाँ पे आ गया था इंडिया में, मेरी वाइफ है, शादी वादी हुई, अब यहाँ वापस आ गया मैं। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे मैंने हार्ड रॉक कैफे में काम किया साकेत में। अभी तो है आप दोनों मिलकर इसको फूड हाँ को जो है रन कर रहे हैं। हाँ, वो एक्चुअली कोरोना के चक्कर में जॉब चली गई थी जी, तो उसके बाद हमने कुछ अपना करने का सोचा तो हमने ये फूड ट्रक खोला है। तो ये मेरी वाइफ है, मेरी हेल्प करती है साथ में इसमें। बहुत बढ़िया सर। अच्छा ये जानना चाहता हूँ अभी कितना टाइम हुआ है इसको? सर ये हमने खोला था 14th of January को। अच्छा। तो अभी 1 month कंप्लीट होगा हमारा वैलेंटाइंस डे पे। जी जी बिल्कुल सही बात है। अच्छा सर एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, आपका 5-star होटल्स का एक्सपीरियंस है, वहाँ से फूड ट्रक पे जो आप काम कर रहे हो तो कैसा मतलब सर एक्चुअली चेंज कितना लग रहा है? सर चेंज तो बहुत था, थोड़ी शुरू में घबराहट भी हो रही थी कि इतने छोटे से किचन में 5-star होटल में काम करने वाला बंदा जो है फूड ट्रक में आके भाई काम करे तो मुझे लगता है के लिए गट्टी बहुत चाहिए। थोड़ी सर घबराहट हो रही थी स्टार्टिंग में कि इतनी छोटी सी किचन में कैसे मैनेज करेंगे, बट एक बार खोला सेटअप हुआ तो सब आ गया हाथ में और अभी तो सब बढ़िया है। कोई थोड़ा सा माइंड में आया कि रिश्तेदार वगैरह क्या कहेंगे? नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, हमने अपना करना था कुछ तो हमने छोटी शुरुआत की है, आगे इसको बढ़ाएंगे बड़ा करेंगे, बट अभी हमने थोड़ी छोटी शुरुआत करी अपनी। हम चाहते हैं सर आपका फूड ट्रक जो है काफी अच्छा रन हो और इंडिया में ऐसे कॉन्सेप्ट की ना जरूरत भी है। हाँ जी तो मैं तो चाहता हूँ आप हर स्टेट में जो है ना अपना एक या दो फूड ट्रक लगा दो। श्योर श्योर। ठीक है जी। अच्छा टेस्ट क्या करें सर, कुछ स्पेशल आप ही बताओ सर, जो आप बोलोगे। हमारे पास 10 types ऑफ सॉसेज हैं, ये सारी हमारी होममेड अपनी सॉसेज हैं जी। तो इसमें हम आपको पास्ता देते हैं, मैक्रोनी पास्ता है, मैक्रोनी रोल्स है और मैक्रोनी पिज्जा है। सबसे पहले तो सर मैं एक बार जो है ना अंदर से जो है आपका फूड ट्रक देखना चाहता हूँ। जरूर। तो वो देखते हैं, उसके बाद मेकिंग देखेंगे कैसी है और फिर टेस्ट करके आपको बताएंगे कि हमें कैसा लगा आपका। श्योर सर। ठीक है जी। तो सबसे पहले ना दोस्तों अंदर से फूड ट्रक देखते हैं कैसा है। सर ये हमारा पिज्जा ओवन है, इसमें हम आपको पिज्जा गार्लिक ब्रेड वगैरह बना के देते हैं। ये हमारा कुकिंग रेंज है, ये हमारे 2 रेंज लगे हुए हैं। ये हमारा सेटअप है, इसमें हम वेजिटेबल्स रखते हैं। ये हमारी पास्ता और पिज्जा की वेजिटेबल्स हैं, इसमें ऑलिव, कैरेट्स, ब्रोकली, बीन्स सारी वेजिटेबल्स होती है। ये हमारा स्टॉक वाटर रखा हुआ है। ये हमारी गार्निश ट्रे है, इसमें हम सारे मसाले तैयार रखते हैं। और ये हमारे फ्रायर्स है सर, इसमें हम नॉनवेज फ्राई करते हैं, हमने सेपरेट रखे हुए। ये हमारा नॉनवेज का फ्रायर है और ये हाँ जी सर, ये हमारा नॉनवेज का फ्रायर है और ये हमारा वेज का फ्रायर है। ये हमारा ग्रिल है सर, जो ग्रिल वाली साइड है उधर वो नॉनवेज होता है, इस साइड वेज होता है। ये हमारा पिकअप काउंटर है, यहाँ पे हमारी सारी सॉसेज पड़ी हुई हैं, जितनी भी सॉसेज हम पास्ता में बनाते हैं सारी हमारी 10 homemade सॉसेज हैं। हमारा बेस किचन है सर, वहाँ पे हमारी सॉसेज तैयार होती हैं। तो सर अब हम आपको शेजवान पिज़्ज़ा बना के दिखा रहे हैं, पहले उसके लिए हम आपको शेजवान मैक्रोनी बनाएंगे। तो ये है हमारी वाइट सॉस, तो इसमें हम 1 ladle वाइट सॉस डालते हैं। ये हमारी होममेड है सारी सॉसेज और ये हमारी चीज़ सॉस थी और ये हमारी वाइट सॉस है। 1 ladle व्हाइट सॉस डाले हैं, वो सारी आप खुद बना रहे हैं सर? हमारी होममेड सॉसेज हैं सारी, ये सारी सॉस हमारी बेस किचन में तैयार होती है। बहुत बढ़िया। और ये सर हमारी शेजवान सॉस है, ये हम रेड पेपरिका और चिली फ्लेक से खुद बनाते हैं। 1 ladle इसमें शेजवान सॉस डाली
तो छोटे से ट्रक में फंक्शन हर चीज है, है? हर चीज है, प्रॉपर सेटअप बिल्कुल बहुत बढ़िया जी। और यार ये कॉन्सेप्ट जो है ना हम काफी टाइम से ढूंढ रहे थे पंकज हैं। सही बात है सर, ये एक्चुअली हम फेसबुक पे थोड़ा बैठे हुए थे घर पे ही, तो फेसबुक पे सर्च कर रहे थे तो वहाँ पे हमें दिखाई दिया यूरोप में किसी ने खोल रखा था ट्रक्स वगैरह, वहाँ तो बहुत ही होते हैं। हाँ तो वहाँ से हमें आइडिया आया कि हम अपना भी कुछ खोलें ऐसे ही। तो शेफ हैं तो मेन्यू तो आपको पता है दिमाग में ही रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस फिर एक बार ऐसे ही चलते चलते वॉक कर रहे थे, इवनिंग वॉक कर रहे थे, तो वॉक करते करते मेन्यू भी दिमाग में आ गया। सर ये हम वेजिटेबल्स डालते हैं पास्ता में, इसमें ऑलिव्स हैं, कॉर्न है, ब्रोकली है, बीन्स है, कैरेट्स हैं। ये सर आपकी सॉस तैयार हो गई और ये हमारा पास्ता मैक्रोनी है, तो इसमें हम एक पोर्शन में 1 कप मैक्रोनी डालते हैं। ये सर सीजनिंग्स हैं, तो इसमें हम सीजनिंग्स में ऑरिगेनो डालते हैं, ये हमारा ऑरिगेनो मिक्स है और ये हमारा थोड़ा सॉल्ट जाएगा। बाकी अगर बाकी अगर किसी कस्टमर को स्पाइसी चाहिए होता है तो हम उसमें चिली फ्लेक्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, वो कस्टमर की डिमांड के ऊपर है। और यही सॉस आपको सर चिकन ऑप्शन में भी मिल जाएगा, इसमें हम चिकन ऐड कर देते हैं 70 grams, वो सेपरेट होता है, हम किसी सॉस में पहले ऐड करके नहीं रखते, हम चिकन बाद में ऐड करते हैं। और ये सर हमारे बेस हैं, ये हमारी बेस किचन में बनते हैं, ये पिज़्ज़ा बेस है तो ये हम वहीं बनाते हैं बेस किचन में, हाफ कुक करके हम इनको यहाँ लेके आते हैं। तो ये सर आपकी मैक्रोनी की टॉपिंग हो गई। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया लग रहा है। इस तरीके का पिज्जा पंगा मैं फर्स्ट टाइम तैयार होते हुए देख रहा है। तो सर इसमें से कुछ तो यार ऐसी रेसिपीज होंगी जो आप 5-star होटल्स में। सर कोई रेसिपी मेरी पुरानी नहीं है, सब मेरी अभी दिमाग लगाई हुई नई रेसिपीज है। कोई पुरानी रेसिपीज है, एक दो रेसिपीज होंगी जो मैंने थोड़ा पुराना अपना निकाला होगा जी। ये इसके ऊपर हम चीज टॉप करते हैं, ठीक है जी। तो अराउंड 1 cup चीज़ डालते हैं हम, दैट इज 240 grams एक पोर्शन में, ठीक है जी। तो वो हमारा हिसाब होता है अराउंड 240 grams हम एक पिज़्ज़ा में चीज़ डालते हैं। मतलब मेरे ख्याल से पंकज इस तरीके की भी पिज़्ज़े की मेकिंग मेरे ख्याल से अभी तक किसी ने देखी नहीं होगी, है ना भाई? ये जो है ना ये वाला पिज़्ज़ा तो मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। मैं भी पहली बार देख रहा हूँ भाई। सर ये ओवन में जाएगा अब, तो ये सर हमारा ओवन है, इसको हम 250 degrees पे रेडी करके रखते हैं। तो ये आपका पिज़्ज़ा अब गया ओवन में, इसको 5 to 6 minutes लगेंगे ओवन में बेक होने के लिए, ठीक है जी। तो सर हम आपको वेज बर्गर बना के दिखाते हैं, हम हमारा महा वेज बर्गर होता है तो मकेन्स की वेज पैटी यूज़ करते हैं। एक पोर्शन में हम सर 2 veg patties देते हैं, तो जैसा आपको बताया था ये नॉन वेज फ्रायर है हमारा और ये वेज फ्रायर है। सर ये हमारा बर्गर बन है, ये सर हम कॉर्न मील बर्गर बन यूज़ करते हैं। सर ये बन काफ़ी अलग लग रहा है। हाँ जी सर, ये हमारा कॉर्न मील बर्गर बन है, ये नॉर्मल बर्गर बन्स नहीं होते। तो दिस इज़ मेड आउट ऑफ कॉर्न फ्लावर। ओके। तो इसमें हम थोड़ा बटरिंग करते हैं, ये हमें सर अपना गार्लिक बटर बनाया हुआ है, दैट्स विद ऑरिगेनो चिली फ्लेक्स एंड चॉप गार्लिक, उसमें हम गार्लिक बटर बनाते हैं, उसको हम थोड़ा बटरिंग करके टोस्ट करते हैं बन को। और सर एक पोर्शन फ्राइज होती है हमारी उसके साथ, वेज बर्गर के साथ। तो ये सर आपका टोस्टेड बर्गर बन है, ये बढ़िया बटर लगा के इसको टोस्ट करते हैं हम। जो इससे जो क्या है बर्गर थोड़ा और सॉफ्ट और थोड़ा और टेंडर हो जाता है, स्केच के मुंह में जाते तो एकदम। तो सर ये अब हमारा बर्गर बन रेडी हो गया है। सर हम इसमें हम चीज़ सॉस डालते हैं, हम मेयोनीज बिल्कुल यूज़ नहीं करते कहीं पे भी, हमारे सारे प्रोडक्ट्स में चीज़ सॉस यूज़ होती है सर, नो मेयोनीज। और ये चीज़ सॉस भी सर हम खुद बनाते हैं, ये हम वाइट चेडर चीज़ से चीज़ सॉस खुद बनाते हैं हम। ये आ गई जी लेटस, ये लेट्यूस गई सर, क्यूकम्बर्स जाते हैं, टमेटोज जाते हैं। सर ये हमारी बढ़िया क्रिस्पी वेज पैटी तैयार हो गई है, ये हम सर सिंगल पैटी रखते हैं इसके ऊपर हम एक आलू पैटी तो नहीं लग रही सर, ये आलू पैटी नहीं है, ये हर्ब चिली पैटी है सर। अच्छा। तो ये हर्ब्स चिलीज और पोटैटोज में मैरिनेटेड है ये पैटी। तो एक हम चीज़ स्लाइस लगाते हैं, उसके ऊपर हम दूसरा पैटी रखते हैं, फिर हम इसके ऊपर दोबारा चीज़ सॉस डालते हैं थोड़ी, और
और ये थोड़े स्पाइसेस में हम ओरिगैनो डालते हैं ऊपर इसके। भाई इसकी तो यार लुक बहुत ही ज्यादा कमाल की लग रही है, बहुत बढ़िया लग रहा है और पैटी ना बिल्कुल डिफरेंट है भाई। सर इसमें हमारे पास एक और ऑप्शन होता है, अगर कोई गेस्ट आके बोलता है कि हमें स्पाइसी खाना है तो हम इसमें थोड़ी सी अपनी शेजवान सॉस ऊपर टॉपिंग कर देते हैं। ठीक है जी। अगर गेस्ट आके कोई बोलता है जैसे हमें स्पाइसी और थोड़ा सॉसी चाहिए, थोड़ा जूसी चाहिए, तो हम उसको थोड़ी सी शेजवान सॉस ऊपर से टॉपिंग कर देते हैं। बहुत बढ़िया। सर हमारा बर्गर बन तैयार हो गया। तो ये दोस्तों हमारा महा वेजी मैक बर्गर तैयार हो गया। यार लुक देखो क्या जबरदस्त लग रही है, डबल पैटी है और पैटी भी समेत कुछ अलग ही है भाई। ट्राई करने में पता चलेगा, लुक देख के तो यार मजा आ गया। अब मेरा मन कर रहा है सबसे पहले इसी को भाई ट्राई करेंगे। और बन भी जो देख बेस जो है ना काफी अलग है भाई, काफी अलग है। तो सर हमने कंटेनर्स अपने सारे पैकिंग कंटेनर्स रखे हुए हैं, किसी को टेक अवे चाहिए तो भी हम सेम कंटेनर यूज करते हैं, अगर गेस्ट को खाना है तो भी हम सेम कंटेनर यूज करते हैं। बहुत बढ़िया सर। प्राइस क्या इसका? सर इसका प्राइस है 160 रुपीज़। बहुत ये साथ में हम इसके केचप और नैपकिन इसी में डब्बे में ही डाल देते हैं, कस्टमर के ऊपर है उनको गाड़ी में खाना है या घर पे टेक अवे करना है, बहुत ऑप्शंस अवेलेबल है। सपोर्ट करो आपके लिए एक से एक बढ़िया जगह हम ढूंढ ढूंढ के ना बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो लेकर आएंगे। अब बारी है भाई टेस्ट करने की, तो कहाँ से भाई बर्गर या ये क्या करना है? गार्लिक ब्रेड, कंफ्यूजन तो बहुत बड़ी है। चल पिज्जा से ही करते हैं, तो पिज्जा से स्टार्ट करते हैं भाई। ये है LVT है ना? हाँ, क्या नाम? लोडेड वेजी टोस्ट। लोडेड वेजी टोस्ट, मैंने मेरे ख्याल से गार्लिक ब्रेड बोल दिया यार पिंच में। कोई बात नहीं है, तो पिज्जे से स्टार्ट करने लगे जी। तो भाई उसको टेस्ट करते हैं। शेजवान सॉस का क्या फ्लेवर आया यार, सबसे पहला टेस्ट ही उसी का आया भाई। बहुत बढ़िया भाई, मजा आ गया। एक बाइट और लेता हूँ, और ब्लैक ऑलिव का भी टेस्ट बहुत अच्छा आया है। हाँ जी भाई साहब, कैसा एक्सपीरियंस है? भाई बहुत बढ़िया यार, इस तरीके का पिज्जा क्या शेजवान सॉस का टेस्ट आ रहा है, ऊपर मैक्रोनी का, वेजेस का, हर चीज का, मतलब आपको टेस्ट प्रॉपर पता चलेगा बिल्कुल। ये देख रहे पंकज, जरा बेस देख भाई, क्या एकदम बढ़िया क्रिस्प हो गया है। मतलब मैं इसको थोड़ा सा ना ध्यान से कोशिश करता हूँ आपको पलट के दिखाऊं। वाह, ये देखो यार आप बेस, और बेस भी जो है पंकज ये खुद घर पे तैयार करते हैं, हाफ डन करके लेकर आते हैं बिल्कुल। और उसके ऊपर देख यार क्या, मतलब बहुत बढ़िया टॉपिंग्स देख रहा है, क्या जबरदस्त लगा दिए हैं भाई। पिज्जा तो हमारी तरफ से ना 100% पास है, अभी हमारा थोड़ा सा ठंडा हो गया, फिर भी इतना मजा आया, फिर भी बहुत मजा आया। गर्मा गर्म खाओगे तो भाई जबरदस्त एक्सपीरियंस, नेक्स्ट लेवल जो है ना टेस्ट होगा। अब क्या कर ले भाई, LVT यानी कि लोडेड वेजी टोस्ट। वेजी टोस्ट में नाम भूल रहा हूं यार बार बार इसका, तो इसी को टेस्ट करते हैं। हाँ। बर्गर लास्ट में करेंगे, ठीक है। और इसके अंदर भी जो वेजेस वगैरह ना, ब्रोकली वगैरह, जुकीनी वगैरह, काफी चीजें। एक शेफ की पहचान ना वेजेस की कटिंग से हो जाती है पंकज, प्रॉपर बारीक बारीक वेजेस जो है वो कटी हुई थी और साफ सुथरी भाई साहब, अंदर से जो वैन है ना बहुत फुल्ली साफ सुथरी रखी हुई है। तो भाई इसको टेस्ट करें, चल क्या टेस्ट है यार, जबरदस्त टेस्ट है। क्या गार्लिक का है, बटर सबसे का, सबसे पहला टेस्ट गार्लिक का आया है, और वेजेस आपको पता चलेंगी कि जो है ना बहुत जबरदस्त वेजेस डली हुई है। मतलब जो वेजेस है ना हल्के हल्की सी सौते कर रखी हैं, मगर फिर भी आपको ना हर एक वेजेस का ना क्रंच फील होगा। मैं समझ, इस तरीके की हमने ब्रेड पहले भी ट्राई कर रखी है, मगर ऐसा टेस्ट नहीं मिला भाई, बिल्कुल नहीं मिला भाई साहब। मतलब ना सूखा सूखा फील नहीं हो रहा, नहीं तो पता क्या होता है ऊपर वेजेस और चीज का तो मजा आ जाता है। हाँ। ब्रेड नीचे सूखे बिल्कुल ड्राई होती है, मजा नहीं आता खाने में, और ये थोड़ी सी जूसी है। हाँ। तो ये दोस्तों आप इसकी यार एक बार क्लोज लुक देखो क्या जबरदस्त है। बैक साइड दिखाता हूँ, जो ग्रिल कर रखा ना ये देख रहे हो क्या बढ़िया लग रहा है, मतलब रंगत देख के ना भाई साहब दिल खुश हो रहा है। और इसमें ये है ना गार्लिक का और बटर का बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है, टेस्ट है बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। जितनी भी तारीफ करूँ ना इसकी उतनी कम है। तो दोस्तों अब बारी है भाई बर्गर टेस्ट करने की, और मैं सही बता रहा हूँ फुल्ली हैवी लोडेड है यार। आप देखो यार दोस्तों एक बार इसकी क्लोज लुक देखो, अंदर से इनर फीलिंग देखो क्या जबरदस्त पंकज, बहुत बढ़िया टमाटो है भाई है, और डबल टिक्की लगी हुई है, सबसे बड़ी बात ये डबल टिक्की है, और जो आलू है ना वो जो टिक्के अंदर वो प्रॉपर मैश्ड नहीं है, उसमें हल्के हल्के से पीसेस साफ नजर आ रहे हैं बिल्कुल भाई। अब बारी है इसको टेस्ट करने की यार,
तो जी इसका नाम है जी महा वेजी बर्गर, और देख के ना आपको पता चल जाएगा। सही बात है। अब बाइट लेते हैं भाई, रहा नहीं जा रहा। इसको लास्ट में मैंने ना इसलिए रखा है, पता नहीं क्यों रखा है, तीनों ही अच्छे लग रहे थे। हाँ सही में। चलो ये टेस्ट करते हैं। ओहो हो, क्या लोडेड है यार, देख रहा है अंदर से क्या जूस आ रहा है। बहुत जबरदस्त। एक तो बन बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, पता ही नहीं चला बाइट के बाद कि वो गया कहाँ। सही बात है, है ना, नहीं तो घुल गया, मतलब बिल्कुल घुल गया भाई। और दूसरी बात भाई साहब, इसके अंदर जो आपको सबसे बढ़िया फ्लेवर आएगा ना, वो आएगा टिक्की का। टिक्की बहुत बढ़िया है, बहुत जबरदस्त पैटी है भाई साहब। टिक्की कह लो, पैटी कह लो, जो आपको बुलाना है ना बुला लो। टेस्ट इतना अल्टीमेट आने वाला है ना उसका, आपका दिल खुश हो जाएगा। लोडेड है यार, देख रहे हो क्या सॉसेज वगैरह सब कुछ इतना गिर रहा है। मजेदार एक्सपीरियंस है, मतलब कॉर्नर टू कॉर्नर फील हो यार। बंद अगर कोई खा रहा है ना बर्गर, कॉर्नर तक हो सामान, तो मजा डबल हो जाता है। ध्यान ही नहीं रहा आप लोगों से बात करते करते में, बर्गर के साथ में आपको फ्राइज मिलेंगे भाई। तो 159 पंकज इसका प्राइस है, आई थिंक वर्थ है भाई, बहुत बढ़िया है। आप मतलब बड़े बड़े ब्रांड्स में जाके भी यार इस प्राइस का खाते हो, मुझे लगता है उनसे बेहतर है, उनसे बेहतर है। डबल टिक्की है, काफी फ्रेश बर्गर, क्वांटिटी भी अच्छी दे रहे हैं। मतलब मैदे वाला बन नहीं है, साफ इन्होंने कॉर्न मील वाला बन यूज कर रखा है। बिल्कुल सॉफ्टनेस आपको पता चल जाएगी। अब देखिए इसको पकड़े हुए ना, बन जो है ना वो पिचकता चला जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, इतना ज्यादा सॉफ्ट है। तो दोस्तों मैं आपको जो है ना यहाँ की टाइमिंग बता दूँ, 4 बजे से लेके 10 बजे तक की यहाँ की टाइमिंग है। बाकी यहाँ का एड्रेस, फ़ोन नंबर, गूगल मैप लिंक सब कुछ आपको हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। अगर आप फरीदाबाद के रहने वाले हो, वही वर्ल्ड स्ट्रीट बहुत फेमस है, वर्ल्ड स्ट्रीट की तरफ आ रहे हो, सामने DPS चौक पे इनका फूड ट्रक आपको नजर आ जाएगा। भाई जी फरीदाबाद वालों के लिए ना तो मतलब बहुत ईजी है यहाँ पे पहुँचना, मस्ट ट्राई लोकेशन है भाई साहब, सही बता रहा हूँ। टेस्ट करना, उसके बाद कमेंट करके बताना कि आपको जो है ना यहाँ का टेस्ट कैसा लगा। वेज नॉन वेज दोनों चीज़ें अवेलेबल है। यहाँ का नंबर पंकज ने बोली दिया है, आपको मिल जाएगा। अब इस वीडियो को दोस्तों यहीं पे एंड करते हैं यार, उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करें। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती है, और भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। एक से एक जो है ना आप लोगों के लिए यार नई से नई लोकेशन लेकर आ रही है, तो आपका जो है ना हमें सपोर्ट करना भाई बनता है। कमेंट इतने अच्छे अच्छे कर रहे हो यार, बहुत अच्छे कमेंट आ रहे हो, है ना। बढ़िया एक आते हैं, मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी नई लोकेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।